वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 321 BCE में सर्वार्थ सिद्धि मौर्य और मुरा मौर्य के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के आखिरी राजा धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ये सब उनके गुरु चाणक्य की शिक्षा और मार्गदर्शन के बिना नहीं कर सकते थे। वे मौर्य साम्राज्य के पहले महाराजा और चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने ही मौर्य वंश को भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की भेंट सबसे पहले तक्षशिला में हुई थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की राजा बनने की पात्रता को समझा और उसे उचित शिक्षा देनी शुरू कर दी। आप चंद्रगुप्त की कुशलता इसी बात से समझ सकते हैं कि जब उन्होंने धनानंद को हराया उनकी उम्र 20 से 21 साल थी। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उनकी और धनानंद की भेंट सबसे पहले पुष्पपुरा में हुई थी। उनके कुरुपागमन के कारण धनानंद ने उन्हें अपमानित कर वहाँ से बाहर निकाल दिया था। तभी उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो इस अपमान का बदला नहीं ले लेते वे अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। इसी कारण उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और चंद्रगुप्त उनके उम्मीदों पर खरी उतरी। चंद्रगुप्त राजा बनने के बाद इन्हें राजदरबार में महामंत्री की उपाधि दी गई। चंद्रगुप्त के राजकाल में ही अर्थशास्त्र और इंडिका जैसे महान पुस्तक लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है जिसमें मौर्य काल के प्रशासन के तौर तरीके और नियम बताए गए हैं, और इंडिका यूनानी दूत मेगास्थेनेस के द्वारा लिखा गया है जिसमें मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। मौर्य काल के चांदी के सिक्के हमें ये बताते हैं कि मौर्य राजवंश के काल में कोई भी आर्थिक परेशानी नहीं हुआ करती थी। अलेक्जेंडर के मृत्यु के कुछ वर्षों पश्चात उसके सभी सेना नायकों में उसके संपूर्ण साम्राज्य के लिए युद्ध शुरू हो गए। उसका एक सेना नायक सेल्यूकस वन निकेटर एशिया माइनर से लेके इंडस तक के साम्राज्य का राजा बना। 305 BCE में सेल्यूकस ने इंडस नदी को पार कर दिया। वो अलेक्जेंडर के हारे हुए राज्यों को फिर एक बार जीतना चाहता था और उसके बाद उसका सामना चंद्रगुप्त से हुआ। दोनों सेनाओं ने डटकर मुकाबला किया लेकिन अंत में चंद्रगुप्त ने अपने जीत का परचम लहराया। सेल्यूकस को बंदी बना लिया गया। उसके बाद संधि के अनुसार पूर्वी अफगानिस्तान बलूचिस्तान और पश्चिमी इंडस चंद्रगुप्त के हाथों में सौंपने के बाद सेल्यूकस को रिहा कर दिया गया और उसने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से करवाई। उसके बाद उसने यूनानी दूत मेगास्थेनेस को चंद्रगुप्त के राज दरबार में भेजा। इसी बात से खुश होकर चंद्रगुप्त ने 500 युद्ध हाथी सेल्यूकस को उपहार के रूप में दिए। इसके बाद चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक फैल चुका था। चंद्रगुप्त के बाद इनके बेटे बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के गद्दे पे विराजमान हुए। इन्होंने 25 वर्ष शासन किया और अपना साम्राज्य मैसूर तक फैलाया। इनके बेटे अशोक के राज्यकाल में मौर्य साम्राज्य बुलंदी पे पहुंच गए। 273 BCE में अपने बड़े भाई सुषेण को मारने के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पे विराजमान हुए। इनके राज्यकाल को मौर्य वंश का सुवर्ण काल भी कहा जाता है। सिंहासन पे विराजमान होने के 12 साल बाद इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया। कलिंग उत्तर पूर्वी एशियन महाद्वीप के सभी समुद्री राष्ट्रों को काबू करता था। इसी कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग राज्य महानदी से लेकर गोदावरी तक फैला हुआ। अशोक के पिता और दादा चंद्रगुप्त और बिंदुसार भी कलिंग के साम्राज्य को पाने में असफल हो गए थे। इसी कारण कलिंग को जीतना अशोक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ ने अशोक का डटकर सामना किया लेकिन कलिंग की सेना अशोक के सेना के सामने बहुत कम थी। कलिंग की सेना में कुल 1.5 लाख पैदल सैनिक, 10,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे, जहां तक अशोक की सेना में कुल 6 लाख सैनिक थे। इस युद्ध में कुल 2,20,000 सैनिक मारे गए, 70,000 सैनिक अशोक के और 1.5 लाख सैनिक राजा अनंत पद्मनाभ, और अंत में अशोक विजयी रहे। इस युद्ध के बाद अशोक अपनी छावनी से बाहर निकले और रणभूमि का नज़ारा देखने निकल पड़े। इतनी सारे लाशें देखने के बाद वे चकित रह गए। कलिंग का युद्ध अशोक के ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेके आया। उन्होंने युद्ध ना करने का फैसला किया और बुद्ध धर्म के तत्वों को अपनाया। उन्होंने युद्ध जीतने के बजाय लोगों का दिल जीतने का फैसला किया। उन्होंने
धर्म के रास्ते को अपनाया और उसके तत्वों को अपने राज्य में फैलाना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तत्व थे, लोग शांति से रहे और अहिंसा का पालन करें। इन्हें राजा प्रियदर्शी की उपाधि दी गई। प्रियदर्शी का अर्थ है देवों के प्रिय। इन्होंने अशोकन स्तंभ का भी निर्माण करवाया। इसी के साथ उन्होंने सांची, रुमिनदेई, लौरिया आराज और लौरिया नंदन घर में भी स्तंभों का निर्माण कर इन स्तंभों पे राज आदेश और शांति के संदेश प्रकृत भाषा में लिखे गए। ग्रीक, खारुष्टी और अरामिक भाषा का भी उपयोग किया गया। उसी के साथ अशोक ने कलिंग में शांति स्तूपा का निर्माण करवाया। इन्होंने बहुत सारे सुंदर मूर्तियों का भी निर्माण करवाया। हमारे राज्य का प्रतीक इन्हीं की देन है। उसी के साथ इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र महिंद्रा और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका में धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक के राज्यकाल के अंत तक इनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ था। अशोक के बाद उनके बेटे कुणाल अंधे होने के कारण राजगद्दी पर नहीं बैठ सके और उनके सबसे छोटे पुत्र त्रिवल्ला युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र महिंद्रा को इन्होंने श्रीलंका भेज दिया था, इसीलिए इनके पोते दशरथ राजगद्दी पे बैठे। दशरथ के बाद इनके भाई संप्रति, उसके बाद शालिशुक, देववर्मन, सतधन्वन और आखिरी राजा बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के गद्दी पे बैठे। दशरथ के भाई संप्रति के राजकाल में बहुत सारे राज्यों ने विद्रोह कर उन्हें स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसके बाद देववर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ के राजकाल में मौर्य साम्राज्य की सीमाएँ कम होती चली गई। इसके बाद आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ के राजकाल में कलिंग और विदर्भ जैसे राज्यों ने विद्रोह कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। दक्षिण में सतवाहन साम्राज्य की शक्तियाँ बढ़ने लगी थी। इसी कारण 185 BCE में एक परेड के दौरान बृहद्रथ की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी और मौर्य वंश का अस्त हो शुंग वंश का उदय शुरू हो गया।